वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी जाणांगे भाई जोगा सिंह जी का हुशियारपुर कड़ा। पछौरों नस के रावलपिंडी तो लाहौर अते लाहौरों भाई जोगा सिंह श्री अमृतसर पुजे। अपने प्यारे सतगुरु नूं मिलण दी तड़पना हिरदे विच सी, हुकम दी पालना पूरी करन दी सत्थर सी। वाहो दाही पंध नबेड़ के हुशियारपुर अपड़िया, कुदरत दे खेल सच्चे सतगुरु जी ने सिख दा इम्तिहान लैणा सी। हुशियारपुर विच होर भी कौतक रच के रोक लिया। भाई जोगा सिंह जिस बाजार दे विच लंघन लगा वह वेशवावां दा बाजार सी। रूप माया ही मर्द नूं भुला लैंदी है, इहदी खिच तो बचना असंभव है। बचदा उह है जिसनूं सच्चा सतगुरु आप रखे। उस बाजार विच इक सुंदर वेशवा सी, उसकी मनमोहनी सूरत नूं देख के मर्द दंग रह जांदे सन। उसने आवाज़ दे के जोगा सिंह नूं रोकिया, अखां विच अखां पा के हथ नाल इशारा किया। भाई जोगा सिंह उहदे नैणां दे जाल विच फस गया। उस सुंदरी वल देखण लग पिया, पर छेती ख्याल आ गया वह गुरु का सिख है। उसके तेड़ कछहरा हथ कड़ा ते सिर उत्ते दस्तार है, जे कोई इसनूं वेखेगा तां की आखेगा। यह विचार के कुछ शर्मिंदा जिहा होया, 10 कदम अगे गया, अगे जाके फिर खलो गया। उस सुंदरी का चित्र अखां विच सी, सुपने की तरह उसनूं इशारे करदी प्रतीत हुंदी सी। भाई जोगा सिंह फिर रुक गया। सूरज की रोशनी विच उह वेसवा दी बैठक उत्ते किवें जावे, लोग उसनूं की आखणगे। उसनूं गुरु ते गुरु का हुक्मनामा भुल गया। सिर्फ दिमाग अखां विच चेते रहे लोग, शर्म ते वेशवा उहदे हिरदे विच इक अश्चर्ज ही घोल करन लग पए। करते दे खेल किते कचकोल वर्गी सुंदर इस्त्री नूं घर छड्ड के नस आया। उस नाल पूरियां लावां भी ना लईयां, पर वेशवा दे रूप विच फस गया जिथे धर्म ते इकलाक दा नष्ट होना सी। तन नूं रोग लगण दा डर सी, घर छड्डी इस्त्री देवी ते धर्म सी। उसदा मेल ते वेशवा दा मेल जमीन असमान दा फर्क सी। भाई जोगा सिंह नूं आनंदपुर दा रस्ता भुल गया, उह शहरों बाहर जा बैठा। इस उड़ीक विच के हनेरा होण उत्ते उह वेशवा दी बैठक उत्ते जावेगा, उस रूपवती नूं जरूर मिलेगा। गुरु दा सिंह डोल गया, सच्चा गुरु अपने सिख दी राखी करदा। चोजी प्रीतम नूं पता लग गया, अपनी आत्म शक्ति नाल सिख नूं बचाउण लगे। एक संतरी दा रूप धार के वेशवा दीआं पौड़ियां अगे जा खलोते। चौखा हनेरा हो गया सी, भाई जोगा सिंह पिछे मुड़िया। लोग अजे भी बाजारां विच फिर रहे सन। उसे वेशवा दी बैठक हेठ बैठ गया। देखे कि बैठक दीआं पौड़ियां दे लागे एक आदमी खलोता है। उसके हाथ विच सोटा है ते उहदे बस्तर अमीरां दे अर्दलियां वर्गे हन। भाई जोगा सिंह दबा दा पौड़ियां चढ़न लगा तो उसने डांटिया, ओए किधर जांदा है, उधर ना जाई, उपर सेठ साहब गए ने, चल अपनी राह लै। भाई जोगा सिंह शर्मिंदा जिहा होके परे हो गया। सड़क के दूसरे पासे होके बैठक वल झाती मार ता बैठक विच दीवे दी रोशनी तो सी, पर वह सुंदरी बैठी नज़र नहीं सी आउंदी। उसने भरोसा कर लिया कि जरूरी कोई सेठ उपर होएगा, जे ना हुंदा तो सुंदरी बारी विच ही बैठ के किसी ना किसी की उड़ीक करदी। भाई जोगा सिंह जिधरों आया सी उधर ही मुड़ गया। उहदे दिल नूं खुदकुदी लगी हुई सी, बेचैनी नाल वक्त गुजर रहा सी। कदी इह वी चेता आउंदा सी बहुत काल कीती घरों तुरन दी, अपनी वोटी दा मूँह देखाउंदा। काम दे उबाल ने उहदा शरीर लूई कंडे कर दित्ता। 2 कु घंटे बेचैनी विच कट के उस फिर पिछे मुड़ के आया। उस वेशवा दी बैठक कोल पुज्जा तां उसदे पैर रुक गए। दिल नूं मायूसी होई क्योंकि उह संतरी अजे खलोता सी। बैठक विच चानण सी पर वेशवा बारी अगे नहीं सी। अगे होके पुछण लगा, तेरा सेठ कदों घर नूं जावेगा? मैनू की पता, मैनू तां हुक्म है उपर किसे नूं जान नहीं देना जिन्ना चिर सेठ साहब हेठां ना उतरन। तू कौन है? संतरी ने उत्तर दिता ते पुछया, मैं कोई होवां इस नाल तैनू की? भाई जोगा सिंह दा उत्तर सी, दौड़ जा फिर सिर उत्ते पैर रख के, अज रात तेरा दा नहीं लगना। तू सियाणा ते साऊ जापदा, देखण नूं रहणी बहणी वाला बंदा, की लभेगा इस माड़े काम विचों तैनू, चलिया जा। राखे ने बड़े गुस्से ते ताने दे लहजे विच आख्या। पर उस वेले भाई जोगा सिंह दा मन डोल चुकिया सी, उह तां वासना विच अन्ने हो रहे सन। ਉਹ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਣੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਸੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਚੌਖੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਡਾਂਟ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ? ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। संतरी के इन्हों शब्दों ने भाई जोगा सिंह जी का दिल हिला दिता। वह कंबिया तो उसनों यों प्रतीत होया जिमें उसकी गवाची अकल मुड़ आई, जिमें वह सुत्ता जाग गया। उसनों ज्ञान होया, उसकी जबानों निकलिया, मेरे सतगुरु जी ये आ के वह नठ उठिया जिमें चोर नठदा है। वह डर गया, उसका शरीर कंबी गया, डर नाल नठण करके 2-4 बार डिग पिया। बख्शी दाता एक ही भाणे वरते, उसकी आत्मा पछतावा करन लगी, वह नठी गया। भाई जोगा सिंह पछतावा करता होया चलिया गया, रोंदा गया। उसकी आत्मा आखी जाती सी, मेरे सतगुरु की आखेगा,
मैं बहुत बुरा किया, तरकार है ऐसे जीवन को, मुड़ नारी रूप में चल के रुक गया, तरकार है तेनू जोगया जोगया, इं पछतावा करता दुख मना हो दरिया सतलुज के किनारे जा पुजिया। उस वेले दिन तकड़ा चढ़ पिया, गुरु की नगरी नज़र आई तो दरिया में छाल मार दी, मरण का ख्याल ना किया, बेड़ी ना उड़ीकिया, उसनू काल सी छेती श्री आनंदपुर पहुंचन की। भाई जोगा सिंह श्री आनंदपुर पहुँच गया, पर डर ते सहम ने उसकी मानसिक दशा बिगाड़ दी। और डरते डरते सतगुरु जी की हजूरी में अपड़े, दंडवत प्रणाम करन लगे, मूँह भर डिग पिया ते रोई जान लगा। दीवान विच बैठी हुई सिख संगत हैरान हुई, सतगुरु जी मुस्कुराते रहे, अपने सिख वाल देखते रहे। मैनू बख्शो दाता, भाई जोगा बोलिया, हथ वधा के सतगुरु जी के चरणों नू लाए, सिदकी सिख देखते दे रहे। सतगुरु जी दया दे घर आए, अपने सिख पुत्र की भुल नू एक सच्चे पिता वांग भुलन लगे। मुड़ गल लाउण नू तैयार होए, साहिबा ने इको बचन किया, भाई जोगा सिंह तैनू रुकना नहीं सी चाहिदा। मुड़ पिता जी ने जोगा सिंह नू उठाया, बचन किया, जोगा सिंह देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, गल ला के बख्श दिता ते भाई जोगा सिंह नू सच्चा सिंह बना दिता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।